हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन। वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी पॉइंट्स बताऊंगी कि आप स्कोप ऑफ एजुकेशन में क्या लिख सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन लैटिन वर्ड एजुकेटम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट। मतलब एजुकेशन जो है वो इनहेरेंट पावर्स, जो हमारे अंदर इनहेरेंट पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ, नॉलेज हैं, उसे बाहर निकालने को ही एजुकेशन कहते हैं। सो चलिए अब हम लोग सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं कि स्कोप किसे कहते हैं। सो स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब किन किन एरियाज़ में हम लोग एजुकेशन को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ एजुकेशन यूज़ होती हैं, उसी को स्कोप कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्कोप्स डिस्क्राइब किए हैं। पहला स्कोप है एजुकेशनल फिलॉसफी। सो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इट इज़ वेरी ओल्ड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो सारे, मतलब एजुकेशन के उद्देश्य को, उसकी प्रकृति को, उसके महत्व को, सबको कवर करती है, डिस्क्राइब करती है। सो चलिए अब सेकेंड स्कोप देखते हैं। सेकेंड स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान। सो द मेन एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज The development of child. Psychology helps to understand the child better and development of child with respect of physical, mental, emotional, social adjustment, individual difference, personality, thinking, reasoning, problem solving, etc. मतलब इसमें कहा गया है कि जो educational psychology है, शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो बच्चे को better समझने में help करती है और उसका overall development करती है, चाहे वो physical हो, mental, emotional, social, मतलब हर तरह से उसका development करती है, उसके individual डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। सो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्कोप ऑफ एजुकेशन, विच इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र। सो इसमें कहा गया है अ चाइल्ड लिव्स इन सोसाइटी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट द सोसाइटी, द नेचर ऑफ सोसाइटी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। मतलब चाइल्ड जो है समाज में रहता है, सो उसके लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि सोसाइटी जो है उसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, कितने प्रकार की सोसाइटी होती है और इंटरडिपेंडेंस क्या है कल्चर और सोसाइटी का। सो चलिए अब देखते हैं फोर्थ स्कोप ऑफ एजुकेशन, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो शिक्षा का इतिहास में बताया गया है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम मैथड ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग एशियन पीरियड, मेडिवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। इसमें बताया गया है कि जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे सब्जेक्ट्स डेवलप हुए, ओरिजिन हुआ उनका, और ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे इतिहास में कैसे कैसे टीचिंग प्रोसेस होता था, जैसे मेडिवल पीरियड में, एशियन पीरियड में कैसे होता था और मॉडर्न पीरियड में अब कैसा होता है। सो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ स्कोप ऑफ एजुकेशन, जो कि है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा अर्थशास्त्र। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड इम्पॉर्टेंट। मतलब इसमें बताया गया है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, मार्केट और बिजनेस का डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये थे हमारे कुछ 5 मेन इम्पॉर्टेंट स्कोप। अब आगे हम लोग सब स्कोप्स देख लेते हैं कि इन्हें भी हम ऐड कर सकते हैं। सो 6 है मेथड ऑफ टीचिंग। इनमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में जब शिक्षा दी जाती थी तो वो एक तरफा होती थी, मतलब उसमें छात्र जो थे वो निष्क्रिय होते थे, लेकिन अब मॉडर्न एजुकेशन में स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं, इसलिए एजुकेशन के प्रोसेस को और स्किलफुल बनाना चाहिए। 7th स्कोप है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। इसमें बताया गया है कि जो शैक्षिक संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होना चाहिए। ये था 7th पॉइंट। अब देखते हैं 8th पॉइंट क्या है। 8th पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की समस्याएं। इसमें बेसिकली यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं टीचिंग मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की, उन सब का रेमेडीज, उन सब का सोल्यूशन प्रोवाइड करना। पॉइंट नंबर 9 है पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या की शिक्षा। सो इसमें लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है, उसको देखते हुए इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए थ्रू पॉपुलेशन एजुकेशन। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं कि लास्ट स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है।
सो ये है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। सो इसमें बेसिकली बताया गया है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखते हुए हमें एनवायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ एजुकेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।